हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुग्रह, डॉक्टर नीरा भान का बेटा। डॉक्टर नीरा रिसेंटली कोविड पॉजिटिव हुई। जैसे ही उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन सेकेंड वीक में कम होना शुरू हुआ, तभी हमने सर्च करना शुरू किया उनके लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब मार्केट में इतने सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अवेलेबल हैं, इतनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ, कि मैंने भी ऑलमोस्ट एक गलत कंसंट्रेटर पहले ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने ठीक से पढ़ा एंड देन एक कंसंट्रेटर लिया। तो मम्मी ने मुझसे सजेस्ट किया कि जो भी मैंने नॉलेज गेन करी सब में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बेसिकली हमारे जो रूम्स होते हैं, इनमें होती है 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस एयर को लेता है, इसमें से नाइट्रोजन और बाकी की गैसेस को साइड कर देता है और पेशेंट को देता है रिलेटिवली काफ़ी प्योर ऑक्सीजन। इससे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स बार बार रीफिल करा के पेशेंट के लिए लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम मेन मार्केट में क्या है कि बहुत सारे कंसंट्रेटर्स हैं जो ये कहते हैं कि हम 1-5 लीटर का फ्लो देते हैं, 1-10 लीटर का फ्लो, और साथ में वो ये लिख देते हैं कि ऑक्सीजन प्योरिटी 30% से 90% तक हो सकती है। अब कोविड के पेशेंट के लिए 30% टाइप की प्योरिटी वाला ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रूम में ऑलरेडी 21% है। और इन कंसंट्रेटर्स में क्या होता है, 1 लीटर पे तो डिलीवर करेंगे बिल्कुल 90% ऑक्सीजन, बट ये 5 लीटर या 7 लीटर पे डिलीवर करेंगे 30% टाइप की ऑक्सीजन। इसलिए आपको ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि जो भी कंसंट्रेटर आप लें वो हायर फ्लो पे, लाइक 5-10 लीटर टाइप के फ्लो पे 90% टाइप की कंसंट्रेशन जरूर दे। नेक्स्ट चीज है फ्लो। ये होता है कि आपका कंसंट्रेटर कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट देता है। अब मैंने जो लिया है वो तो लिया है 5 लीटर पर मिनट का। ये ठीक होता है उन मरीजों के लिए जिनमें माइल्ड डिजीज होती है, जिन्हें डॉक्टर होम मैनेजमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, या फिर उन पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं पर तब भी उन्हें थोड़े ऑक्सीजन फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे 10 लीटर का। अगर आपको लगता है कि आपको 2 लोगों को एक बार में ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर अगर आपको उसके आगे कोई एडिशनल इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक लेवल की बीमारी के आगे तो हमें हॉस्पिटल में ही मरीज को एडमिट करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं या तो बहुत हाई पावर के, हाई फ्लो के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, या फिर सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन सप्लाई आ रही होती है। एक और फीचर जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए लेते हुए, वो है ऑक्सीजन प्योरिटी इंडिकेटर। ये क्या होता है कि अगर आपके कंसंट्रेटर में सीव जो होती है वो फुल हो गई है, वो ब्लॉक हो गई है, या फिर आप एक क्लोज रूम में चला रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेटर दे रहा है वो कम हो जाए। ऐसे में ये इंडिकेटर एक लाइट जला देता है या अलार्म बजा देता है कि जो कंसंट्रेशन अब मैं मरीज को दे रहा हूं वो ठीक नहीं है। अब एक और इसका एडवांस फीचर ये होता है कि ऑक्सीजन एनालाइजर हो आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। एनालाइजर क्या करता है, वो एग्जैक्ट परसेंटेज बताता है कि कितने परसेंट प्योर ऑक्सीजन इस समय कंसंट्रेटर दे रहा है। अब कई मेरे फ्रेंड्स US से ऐसे कंसंट्रेटर्स इम्पोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, या कई कंपनीज US और मेक्सिको की मार्केट से इम्पोर्ट करके इन्हें इंडिया में बेच रही हैं। ऐसे में आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि US की मार्केट में या US में जो मिलते हैं कंसंट्रेटर्स, उनकी वोल्टेज होती है 110, बट इंडिया में आती है 220 वोल्ट्स। तो अगर आप वहाँ के खरीदे हुए कंसंट्रेटर को यहाँ पे वॉल प्लग में लगाएंगे तो आपका कंसंट्रेटर खराब हो सकता है। इसलिए बहुत नेसेसरी है कि आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लें जो इंडिया की 220 वोल्ट्स को इन कंसंट्रेटर्स के लिए 110 वोल्ट्स पे लाए। यहाँ पे है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैं यूज कर रहा हूँ। अब इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए जब मैंने कंसंट्रेटर्स देखे तो मैंने रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ दीज कंसंट्रेटर्स एक्चुअली इनका वेट 15 किलो से ज़्यादा होता है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर किसी कंसंट्रेटर का वेट 15 किलो से कम है तो शायद इसमें या तो फ्लो कम है या इसकी प्योरिटी ऑक्सीजन की 90% से कम है ज़्यादा फ्लो पे।
मैंने इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता हुआ ये कंसंट्रेटर इंटरेस्टेड कंपनी से लिया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आप में से किसी को भी वहां से लेना हो। लास्ट चीज मैं बहुत एम्फोसाइज करना चाहूंगा इस चीज पे कि प्लीज इन्हें होर्ड ना करें, सिर्फ जब जरूरत हो तभी कंसंट्रेटर रखें घर पे और आगे किसी और को दे दें जब आपका काम खत्म हो जाए। इंडिविजुअली खरीदने की जगह इट इज बेटर कि हम सोसाइटी की तरह या RWA लेवल पे खरीदें कुछ कंसंट्रेटर, जैसे 2-3 कंसंट्रेटर, जिससे कि हमारी सोसाइटी में जब भी जो बीमार हो उसी को एक कंसंट्रेटर मिल जाए और वही कंसंट्रेटर सब में रोटेट होता रहे। प्लीज़ ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो गलती से गलत कंसंट्रेटर ना ले लें। थैंक यू।